नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे एकदम मजे ले रहे होंगे, फुल मौत काट रहे होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला को मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। एक लॉट से काम किया मैंने आज, उसके बाद थोड़ा 872 रुपये का प्रॉफिट था। तो इसके अंदर अपने को 202 पे मैंने बेचा था और 165 पे बाद में इसको बाय कर लिया था। ये तो हेजिंग के लिए था, इसको तो देखा नहीं है। ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 ऑर्डर है। एक हेजिंग के लिए था और एक सेल था। तो सेल जो था हमने वो सुबह सुबह किया था 9:20:39 पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, वहाँ देखते हैं कि क्या सेटअप था और क्या था। ठीक है, शुरू मार्केट खुली, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा गैपअप नहीं था, करीब 100-150 पॉइंट का गैपअप था। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए सिर्फ 79 पॉइंट का जो है सो गैपअप गैप डाउन ओपनिंग था। तो यहाँ पर इसने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई और मैंने इसी कैंडल पे मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। देखिए 9:20 पे मैंने एंट्री की और 9:39 ये वाले कैंडल थी। इस वाले कैंडल को जैसे ही इसने फॉर्मेशन शुरू करी, मैंने वहीं पर अपनी एंट्री की और फिर मैंने एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये है 165.40 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ 9:40:23। तो 9:40:35। देखिए ये मार्केट बहुत अच्छी थी और इसने इसके नीचे क्लोजिंग भी दी अपने जो है सो प्रीवियस डे लोगों के ऊपर भी उसके नीचे भी दी थी और इसने जो अपना पहला जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मार्केट कम से कम भी तो यहाँ तक आएगी या फिर इसका 50% का ट्रैवल करेगी, पर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई और मेरा जो SL था वो मैंने इसके ऊपर ट्रेल कर दिया था बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसमें जो है सो मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट काफ़ी ऊपर चले गई, फिर थोड़ी सी मार्केट वोलेटाइल रही, ऊपर नीचे उतरे और फिर एक रेंज में बंद हो गई। SL मेरा बहुत छोटा था, यहाँ पर मैंने इसको बाय किया था इस कैंडल पे और सिर्फ 15 पॉइंट का SL था मेरा इसके अंदर। तो 15 पॉइंट के अगेंस्ट में जो है सो हमने कितना पॉइंट यहाँ पर आज अचीव किया, 202 पे हमने जो है सो इसको बेचा था और 165 पे हमने इसको वापस खरीदा। तो करीब करीब 37-38 पॉइंट का हमने इसको कैप्चर किया, जो कि सही था। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी थोड़ा सा सही था, 1:2 का था। उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो ये है आज का ट्रेड। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।